वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से इसके प्राइस एक्शन पैटर्न होंगे और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो HDFC बैंक को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से छोटे छोटे कैंडल बना के यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करके रखा है तो इस ट्रेंड लाइन को हम भी फॉलो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, लेकिन ऑल टाइम हाई लेवल बहुत पास में है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, जो कि लगभग लगभग इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग लगभग 1790 का, तो हम लोग 1800 का लेवल यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम चलते हैं, वीकली व्यू देखना है यहाँ पे। तो वीकली अगर आप कैंडल यहाँ पे इसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाके ये बहुत ही सही तरीके से वेट कर रहा है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और अप ट्रेंड में अगर देखेंगे तो दो तीन वीक जैसा हम लोग यहाँ पे मान के रखे थे कि नीचे से आके इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो यहाँ पे दो तीन वीक इसको वेट करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से प्राइस एक्शन पार्टनर यहाँ पे काम कर रहा है, दो तीन वीक से यहाँ पे ये वेट कर रहा है, राइट। दो वीक तो ऑलरेडी हो गए हैं, तीन वीक हो गए हैं, अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। क्यों ज़्यादा हो गए हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखिए। मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही परफेक्ट टाइप प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अगर किसी ने वो टेक्निकल्स थोड़ा सा भी, मतलब यहाँ पे टेक्निकल काफ़ी सिंपल होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस रेड कैंडल के अंदर सारे कैंडल बने हैं, ठीक है। कितने महीने वेट किया है सर, तो इस रेड कैंडल के अंदर ये 3 महीने तो ट्रेड कर चुका है, ये फोर्थ मंथ ट्रेड कर रहा है। तो दिस मंथ प्रॉबिलिटी आर देयर कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकले और एटलीस्ट 1600 से 1800, मतलब 2000 के लिए जंप करे, राइट। तो HDFC बैंक अच्छा शेयर है, अप ट्रेंड में अगर ऐसे देखेंगे तो अप ट्रेंड में दिखेगा, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे मिला है, आगे मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे इनसाइड कैंडल हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे लुक्स गुड, ओके। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वंस अगेन अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास तीनों कैंडल का हाई पास में है। इस कैंडल पे जो सेलिंग हुई है एंड देन बाइंग आई है, इट शोज़ कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है और तीनों कैंडल का हाई पास में है। जैसे ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग 1800 के आसपास आएंगे, जो मेन ब्रेकआउट होगा 1800 के ऊपर होगा। अगर 1800 के ऊपर वन डे का ब्रेकआउट मिलता है, ये 1800 का लेवल है, इसने कैंडल ने क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक हो रहा है, इसका एसएल लगा के मैं प्लेस करूँगा, मेरा टारगेट होगा 2000 एंड यहाँ से हो सकता है 200 टारगेट है, तो 20 रुपये का मेरा SL हो तो चलेगा, 30 रुपये का भी SL मैं यहाँ पे लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। एक ये प्रॉबिलिटी है कि ब्रेक कर दे, सेकेंड प्रॉबिलिटी है कि यहाँ से जाए और ये जैसे 1800 रेट करे तुरंत इसके नीचे आकर रिट्रेट करने लगे। ये दो प्रॉबिलिटी वाला केस मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे अभी के लिए फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों के पास, मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ ऊपर से, ठीक है। इन पॉइंट से अगर ट्रेंड लाइन बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन बनेगी तो यहाँ पे बनेगा, राइट। ये ट्रेंड लाइन हम लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने गैप ओपनिंग करके हमारा जो प्राइस एक्शन पैटर्न था उसको चौपट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट होने का वेट कर सकते हैं, किस लेवल का वेट कर सकते हैं हम लोग, तो 1770, ठीक है, एटलीस्ट 1775 के लेवल को ब्रेकआउट होने देते हैं, तो हम लोग इसका 1780-90 तक के लेवल की प्लानिंग करेंगे। एंड नीचे की ओर बात करें तो नीचे की ओर अगर ये 1735 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग लगभग लगभग 1720 तक की प्लानिंग करेंगे। तो इस तरीके से HDFC बैंक अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो पसंद आए वो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।